हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप स्वीप शॉट कैसे खेलोगे। देखो क्या होता है, स्वीप शॉट एक हॉरिजॉन्टल बैट शॉट है, लेकिन ये थोड़ा रिस्की शॉट है। लेकिन इससे पता है, आप जब भी ये शॉट खेलोगे तो आपके रन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। स्वीप शॉट आपका स्क्वायर द विकेट जाता है, स्क्वायर लेग रीजन पर, और मिड विकेट रीजन पर भी जाता है आप जल्दी खेलोगे तो। ठीक है, तो अब मैं आज की वीडियो में आपको इसकी पूरी टेक्निक कि आपको स्वीप शॉट कैसे खेलना है और कौन सी बॉल पे खेलना है और एक्चुअल में ये शॉट जाता कहाँ पर है, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कैसे करोगे आप, सब कुछ मैं आपको बहुत डीपली एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए अलोंग विद द बेल आइकन, जिससे मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचते रहे। देख, मैंने बोली तुझे पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि स्वीप शॉट कौन सी बॉल पर खेलते हैं। ठीक है, तुझे पता है बॉल जो हमारे स्टंप पर लैंड कर रहे हैं और डिफेंस का बॉल है, स्टार्टिंग में हम सजेस्ट करेंगे कि खाली बस स्टंप वाले बॉल को स्वीप मार रहे हैं। ठीक है, बता मुझे कैसे उसका ट्रिगर मूवमेंट के बाद कैसे फुटवर्क होगा। ठीक है, वेरी गुड, पूरा शॉट खेल दिया। अब हम करेंगे सीक्वेंस में, पहले ट्रिगर मूवमेंट करेगी, फिर नीचे बैठना है, फिर बैट का स्विंग। ठीक है, पहले ट्रिगर मूवमेंट खत्म करो, अब नीचे बैठो, ये ठीक है। देखो जब आप नीचे बैठोगे ना, दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो आपका हेड एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए और स्टिल रहना चाहिए दोनों का। ठीक है, और ये तो आपका फुटवर्क हो गया, आपका ये फ्रंट फुट का टो टूवर्ड्स, इसका टो जो पॉइंट करेगा वो डाउन द विकेट पॉइंट करेगा। आप देखो इसका पूरा बॉडी का पोस्चर देख रहे हो, बॉडी एकदम अपराइज होनी चाहिए, कहीं भी ऐसे इधर उधर कहीं ऐसे इधर बैंड नहीं होनी चाहिए, इससे बॉडी फॉल ना हो जाए। ठीक है, आपको ध्यान रखना है बॉडी एकदम अपराइज रहनी चाहिए। उसके बाद आपका बैट हमेशा शोल्डर के ऊपर से आएगा, ये यहाँ से, मैंने इसको पहले पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन इसको प्रैक्टिस आपके सामने कराने वाला हूँ कैसे शॉट खेलेंगे। तो आपका बैट ऐसे आना चाहिए, मैं आपको सारी वीडियो में बता दूँ, आप जो भी हॉरिजॉन्टल शॉट खेलते हो ना, वो सब हमारा बैट ही से आता है। ठीक है, अब देखो इसका ये एल्बो सामने पॉइंट कर रहा है डाउन द विकेट, अब यहाँ से क्या करेगी ये, अपने हेड को आगे लाएगी फ्रंट फुट के ऊपर यहाँ पर, और बैट को स्वीप करके, मतलब बैट को स्विंग करके दोनों आर्म्स एक्सटेंड करके स्वीप शॉट खेलेगी। ठीक है, खेल जरा, देखो ये होल्डर कैसी, देखो अभी इसकी हेड की पोजीशन जो है ना एकदम जूते के ऊपर है, अगर इसकी हेड की पोजीशन यहाँ रहेगी, देखो पीछे अगर यहाँ रहेगी तो स्वीप शॉट कभी भी कंट्रोल में नहीं जाएगा। इसलिए आपको जब शॉट खेलना स्वीप शॉट, आपका हेड एकदम जूते के ऊपर ऐसे रहेगा और फॉलो थ्रू आपको यहाँ फिनिश करेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बैटिंग कर दी है, चलो कम ऑन, फिर एक बार फिर से मारेंगे, खड़े हो गए पूरा, एक बार पूरा व्यू देख लीजिए आप, या गो गुड शॉट, शाबाश। अब देखो आपको दो तीन चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है, पहले आपको बॉल अच्छे से जज करना है, उसके बाद आपको याद रखना है आपको कौन से पैर को पहले मूव करना है, आपको अपना फुटवर्क कैसे लेना है, आपका बैकलिफ्ट कैसे आएगा, इंपैक्ट कैसे होगा और फॉलो थ्रू कैसे होगा। ठीक है, तो सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, फटाफट देख लो कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। ठीक है, देखो गाइस, अब पता क्या करना है आपको, पहले तो आपको अंडर आर्म बॉल फीड करना है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको बॉल प्रॉपर फीड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं आपने एक बॉल कहीं फीड कर दिया, एक बॉल कहीं फीड कर दिया, आपको सामने से जो बॉल फीड कर रहा है ना उसकी क्वालिटी मैटर करती है, आप शॉट कैसे सीखोगे और कितना अच्छा सीखोगे। ठीक है, अब देखो मैं इसको बॉल फीड कर रहा हूँ अंडर आर्म, यस रेडी, ठीक है। देखो अभी क्या होगा, जब जब बॉल थोड़ा शॉर्ट होगा ना तो आपके बॉल पैड पर लग जाएगा, वो भी बिगिनर, लेकिन वो बहुत चीज़ों को बहुत जल्दी सीखती है। देखो कैसे अच्छे स्वीप शॉट मारने वाली है वो भी, रेडी शॉट बोनी, गुड शॉट, शाबाश, गुड शॉट। अब देखो क्या करा, हमें अपना फ्रंट फुट का प्लेसमेंट हमेशा स्टंप पर रखना है। ठीक है, स्टंप के वाइड नहीं, अगर आपको बॉल मिले लेग स्टंप बाहर तो आपका बॉल फाइनल लेग रीजन मार रहा है। देखो इसका पैर एकदम अच्छा था, पैर लेग स्टंप पर ही था, वहाँ से इसको बॉल मिला लेग स्टंप बाहर, उसने फटाफट वहाँ से स्वीप खेल दिया फाइनल लेग की तरफ, कम ऑन बोनी, गुड शॉट। अब देखो ये वाला बॉल फुल टॉस था, तो फुल टॉस बॉल क्या करना है आपको, पहले बॉल को आपको रीच के पास बॉल की पहुंचना पड़ेगा, आपको बॉल को पिक करना पड़ेगा, बॉल शॉर्ट पिच है आगे आ रहा है, इसने पैर निकाला और फुल टॉस बॉल को फुल टॉस ही पिक करके वहाँ से स्वीप शॉट खेल दिया। मैं देखो अब एक बॉल इसको दो तीन बॉल लेग स्टंप के बाहर फीड करने वाला हूँ, आप देखना शॉट कहाँ मार रही है वो, रेडी या ठीक है, वाइट बॉल प्ले अगेन, कम ऑन, वॉच द बॉल प्रॉपरली, वाओ गुड शॉट, गुड शॉट, गुड शॉट, गुड शॉट, कीप प्लेइंग, कीप प्लेइंग, चलो शॉट। देखो ये वाला बॉल गया फाइनल रीजन पर, तो आपको ध्यान रखना है आपको बॉल की लाइन के अकॉर्डिंग शॉट को मॉडिफाई करना आना चाहिए, जैसे ये कर रही है अभी, कम ऑन, वॉच द बॉल, देख अभी क्या करना है, सुनो पहले, जब बॉल थोड़ा दूर गिर रहा है ना तो बॉल का वेट करना है, बॉल पढ़ के बाउंस होकर आ रहा है। ठीक है, स्वीप शॉट में ये है कि हमें बॉल की लेंथ को पिक करना है, बॉल ऊपर गिर रहा है तो स्वीप शॉट फटाफट खेल दिया, थोड़ा दूर गिर रहा है थोड़ा वेट कर खेला, या देखो गाइस, पता है इसमें आपको दो तीन चीजें बहुत नोटिस में रखनी है, एक तो बॉल आपसे कितना दूर प्लान कर रहा है, ठीक है,
और आपसे बॉल बहुत ज़्यादा दूर लैंड कर रहा है ना, तो आपको बॉल का वेट करना है, मतलब बैट को पहले नहीं घुमा देना। कभी कभी क्या होता है, जब आप स्वीप के लिए बैठोगे तो स्पिनर जो होते हैं ना, बॉल को थोड़ा तेज़ कर देते हैं, आपको स्पीड भी पिक करने की जरूरत पड़ेगी। और आपने स्पीड नहीं पिक की ना, तो आप एलबीडब्ल्यू हो जाओगे वहाँ। या भाई देखो, आज की वीडियो में मैंने स्वीप शॉट की पूरी टेक्निक आपको एक्सप्लेन कर दी है, आप इस पर कैसे प्रैक्टिस करोगे और शॉट को आप कैसे एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या इसमें, कि आप इसकी प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो और प्रैक्टिस कितनी कर रहे हो। कोई शॉट आप कम से कम 10,000 टाइम खेलोगे ना, तब जाके आपका शॉट वो स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो वो ध्यान रखना है। कीप प्रैक्टिस एंड कीप वर्किंग हार्ड, कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।